हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेपर डेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बच्चों को ये डाउट आता है, ये परेशानी होती है कि ये वेपर डेंसिटी होती क्या चीज है। तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो डिफरेंट कंटेनर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट वाले कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और राइट वाले कंटेनर में कोई गैस जो कि अननोन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, उसे एक्स नाम दे दिया गया है। और इसी तरह दोस्तों, गैसेस जो होती हैं आपस में रैंडम कॉलिजन्स करती रहती हैं, एक दूसरे से टकराते रहती हैं। और मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि दोनों कंटेनर्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों पैरामीटर्स सेम है। एक बार प्लीज नोट कर ले, दोनों कंटेनर्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों पैरामीटर्स सेम है। और अगर आपको ध्यान हो कि एक आइडियल गैस के लिए हम एक आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होती है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर दोनों कंटेनर्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी सेम है, R तो खुद में ही एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मोल्स ऑफ गैस एक्स एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर होंगे। और अगर आपने थोड़ा सा भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि मोल्स जो होते हैं वो मास ओवर मोलर मास का रेशियो होता है। मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो होगा, वो भी तो मास ऑफ गैस एक्स एंड मोलर मास ऑफ गैस एक्स के रेशियो के बराबर होगा। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके देखें, तो हम पाएंगे कि मास ऑफ गैस एक्स एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस की जो रेशियो है वो मोलर मास ऑफ गैस एक्स एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस के रेशियो के बराबर है। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस तो 2 ग्राम्स पर मोल के आसपास ही होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मॉलिक्युलर वेट, क्योंकि इसी रेशियो को ही तो वेपर डेंसिटी कहते हैं। जो रेशियो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, मास ऑफ एनी गैस एक्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आइए एक बार फिर से वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी गैस टू दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड इट इज अ डाइमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये सेम ही डायमेंशन का रेशियो है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्युलर वेट बाई 2 और हाफ ऑफ द मॉलिक्युलर वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी बतानी हो, तो इट विल बी जस्ट 22, बिकॉज मॉलिक्युलर वेट ऑफ CO2 इज 44। सो बाय बाय दोस्तों, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।